है जियो फाइनेंस, कितने में ले मैंने लिया? लिया है 252, वो जिस दिन और लिस्ट हुआ था उस क्वांटिटी दिन फाइव है। लिया या अभी हाल जी फिलहाल लिया? नहीं, लिस्ट हुआ था उसी दिन लिया है, हाँ, बट लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहूंगी इसके, तो चला तो इसमें चाहिए अभी इसके ऊपर। फंड अभी तो कैसे इवॉल्व होगी कंपनी देखना है। आपने बेट किया हुआ है ग्रुप के नाम पे और होप्स पे, है ना? जी ग्रॉन्ग सर सही बैठे क्या? अभी कुछ कहने को तो है नहीं, देखते कैसा खांचा खड़ा होता है इवेंचुअली। क्या करना चाहिए, होल्ड कर लूं? तो आशीष, मेरे ख्याल से जो भी घोषणा है चेयरमैन साहब ने एजीएम के समय की जियो फाइनेंशियल्स को लेकर के, वो एक दशा दिखाती है शोभा जी के मैनेजमेंट को कहाँ पर लेके जाना है इस कंपनी को। एसेट मैनेजमेंट में जाना चाहती है कंपनी शोभा जी, ये कंपनी इंश्योरेंस में जाना चाहती है, जमीनी स्तर पर बहुत काम काज होना बाकी है और शुरू होना बाकी है शोभा जी। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो कारोबार की रणनीति है और जो मैनेजमेंट की कारो कंपनी को लेके जाने की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो अच्छी है। खाली एक ही है कि जैसे आशीष भी बता रहे थे कि अप्रूवल्स काफी लेने पड़ेंगे और इसके लिए समय लग सकता है। तो और एक पेरेंट जो है रिलायंस की बैकिंग, जहां पर आपको डेटाबेस टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश करने के लिए जो पैसे लगेंगे, कैपिटल लगेगा, वो बहुत मजबूत है। और नेटवर्किंग जो रिलायंस की है उसका फायदा जियो फाइनेंस को मिलेगा। तो फिलहाल तो कवरेज नहीं, लेकिन मैं और हमारी कवरेज रिलायंस इंडस्ट्रीज पर है, जबकि एक कारोबार हुआ करता था रिलायंस के। तो आई थिंक प्लान्स आर गुड, ओनली थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन इज व्हाट वी हैव टू वेट एंड वॉच।